गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सर्वनाम शब्दों से एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जो आपकी व्याकरण का ही एक टॉपिक है। तो सबसे पहले एक्टिविटी करने से पहले मैं आपको सर्वनाम की परिभाषा व उसके भेदों के बारे में बताने जा रही हूँ। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, कोई आदि। सर्वनाम के 6 भेद हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह मेरे दादाजी हैं, वे अनुश्री की चाची जी हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं कराते उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई जा रहा है, कुछ हो रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम का प्रयोग जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह कौन बैठा है, क्या पढ़ रहे हो। 5, संबंधवाचक सर्वनाम, किसी वाक्य की दो बातों में संबंध दिखाने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे।